नमस्कार, न्यूज़ बीके में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि परिहार। झांसी के मऊरानीपुर जिला पंचायत चुरारा सीट पे इस समय हम लोग मौजूद हैं और हम लोग इस समय हैं मऊरानीपुर के ग्राम घाटकोटरा में, जहां पर आज हम यहां के लोगों से बात करेंगे कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत में सबसे इनका पसंदीदा प्रत्याशी कौन है और क्या अभी इनके क्षेत्र में जो वर्तमान प्रत्याशी रहे हैं उनके द्वारा क्या स्थिति यहाँ पे विकास कराए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, बताइए ये आपका गांव कौन सा है? ग्राम घाटकोटरा। घाटकोटरा, अच्छा एक चीज़ बताइए, घाटकोटरा में तमाम पार्टियों से प्रत्याशी हो, तो आपको क्या लगता है कि किसका पार्टी, कौन सी पार्टी या कौन सा प्रत्याशी जो निर्दलीय है या दल से है, तो कौन सा यहाँ से जीत के जाएगा? अब देखो ये तो नहीं बता सकते हैं मतलब, लेकिन आपको अनुमान क्या लग रहा है, आंकड़े क्या लग रहे हैं, किसकी लहर जा रही है? अब आंकड़े लहर तो सबकी चल रही है अभी इस टाइम, अब देखो कौन निकल जाए। अच्छा, वोट आप पार्टी के बेस पे देंगे या क्षेत्र में जिसने विकास किया हो या जो तुम्हारा परिचित हो उसको देंगे? विकास की ओर देंगे वोट तो। विकास की ओर वोट देंगे। गोविंद दास जी, ये बताइए आप लोग गांव में बैठे हुए हैं, चर्चाएं चल रही हैं, इस समय जिला पंचायत का चुनाव है, कौन क्या लगता है आपको किस में टक्कर होगी? भाजपा और सपा में। अच्छा, इस गांव में कौन सी पार्टी जीतती आई है? कभी भाजपा जीत जाते, कभी सपा निकल जाते है बस। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सी पार्टी जिला पंचायत सीट जीत रही है? बताना तो मुश्किल है इसमें। अच्छा, मतलब टक्कर है कांटे की, कांटे की टक्कर है। और भी लोग हैं, आइए, क्या नाम है? नारायण सिंह राजपूत। नारायण सिंह जी, ये बताइए इस समय जो चुनाव है तो क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का बढ़िया माहौल है, दो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। अच्छा, बीएसपी नहीं है? नहीं, बीएसपी की टक्कर नहीं है। कांग्रेस की भी टक्कर नहीं है, मतलब ऐसा क्यों लग रहा है कि दोनों पार्टियों में टक्कर? दोनों पार्टी बाहुबली है। तो क्या वोट बाहुबली को जाएगा? अच्छा, तो इस सवार क्या लगता है कि चुरारा सीट से कौन सा प्रत्याशी विजय हासिल? दोनों पार्टी टक्कर की, दोनों में से कोई भी जीत जाएगा, समाजवादी पार्टी है भाजपा। अच्छा, इस गांव से अधिकतर किस पार्टी को वोट ज्यादा मिलते हैं? भारतीय जनता पार्टी को। साथ में कुछ लोग और भी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी, ये बताइए यहाँ पे आपके जो जिला पंचायत सीट है कौन सी है? सब बताया, आप बताइए तो कौन सी जिला पंचायत है? चुरारा है। हायाजान। चुरारा है, कौन सी? चुरारा है। चुरारा से और भी कई सारे प्रत्याशी होंगे अन्य पार्टियों के होंगे, तो आपको क्या लगता है आज इस बार जो वोट पब्लिक वोट कर रही है वो किस पार्टी को कर रही है, या सत्ता परिवर्तन बीजेपी को कर रही है, क्या बीजेपी के काम से खुश है या सत्ता परिवर्तन चाहती है, क्या है आपको क्या लगता है? सत्ता परिवर्तन चाहती है, मतलब क्या स्थिति है यह यहाँ? हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? राजकुमार सिंह। राजकुमार, ये बताइए यहाँ पे कई सारे प्रत्याशी, कई सारे चेहरे होंगे और जो वर्तमान में रहे हैं उनसे कितना खुश है, और अभी हाल ही में चुनाव है तो इसमें कौन सा पसंदीदा प्रत्याशी कौन सा? हेमंत सिंह, समाजवादी पार्टी। और भी कई सारे प्रत्याशी हैं, उनका क्या है स्थिति? उनकी ऐसे ही है, डमाडोल है उनकी स्थिति। हेमंत सिंह जीतेंगे, युवा प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी के हैं। चलिए, हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। हाँ, यह प्रतापी मंच है, नरसिंह भगवान का है, और यहाँ पर हमारे सामाजिक ढांचा जो यहाँ पर बना जा रहा है वो बहुत अच्छा है, और एक सफाई जैसी यहाँ पर स्थिति है, और यहाँ पर जो भी विकास हुआ है धरातल पर, यहाँ पर विकास जो है सपा पार्टी ने यहाँ पर किया है। मतलब तो आपको लगता है कि इस चुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ की जनता बिल्कुल चाहती है कि परिवर्तन चाहती है। हाँ, इस परिवर्तन की लहर में सपा हाथ मार ले जाएगी और बीजेपी की सत्ता बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मतलब बीजेपी लगता है कि यहाँ के मतलब किसान जो है वो चाहता है परिवर्तन। हाँ, किसान परिवर्तन चाहता है। सबसे पहली बात तो ये है कि किसानों की इतने 3 महीने से जो मांगे चल रही हैं, बीजेपी सरकार बिल्कुल मूक दर्शक होकर के देख रही है कि आगे आगे क्या होता है, लेकिन क्या जनता क्या गुल खिलाएगी ये भविष्य इसका नतीजा तय करेगी। अच्छा, हेमंत सेठ को आप व्यक्तिगत जानते हैं कि कोई पार्टी से आप वोट करेंगे? मैं
पार्टी बेस से वो कर रहा हूँ, पार्टी बेस से उनको व्यक्तिगत संबंध भी है और पार्टी बेस पर भी मतलब खरा कैंडिडेट है, बहुत ही अच्छा है। मतलब आपको लगता है कि जो व्यक्तिगत संबंध है और क्षेत्र का विकास वही कर पाएगा? हाँ सही बात है कि क्षेत्र के विकास में जो भूमिका उन्होंने बनाई है, क्योंकि मऊरानीपुर नगर पालिका क्षेत्र यह तरह से बना रखा है कि दोनों नदियों के अगल बगल में जो भी निर्माण कार्य हुआ है वो वास्तव में अभूतपूर्व है, एक ऐतिहासिक क्षण है। मतलब जो उनको यहाँ पे वोट मिलेगा वो मऊरानीपुर के विकास को लेके मिलेगा, यही बात है कि सपा की जो नीतियाँ हैं वास्तव में चहू विकास की ओर आकर्षित करती हैं और उनने जो धरातल पर जो कार्य किया है वो आज उनका यही प्रशंसा हो रही है वो जगह जगह। साथ में और भी लोग मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? हरवंश नामदेव। हरवंश जी ये बताइए, आज जिला पंचायत का चुनाव है और प्रधानी का भी चुनाव है, तो जिला पंचायत में आपको क्या लगता है कौन सा प्रत्याशी पसंदीदा प्रत्याशी है? सपा प्रत्याशी हेमंत सेठ। अब हम आ चुके हैं चुरारा जिला पंचायत सीट के अंतर्गत आने वाले ग्राम हरपुरा में और यहाँ पर हम देख रहे हैं लोग बाग बैठे हैं और चुनावी माहौल है, चुनावी चर्चाएं चल रही हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं हम। क्या नाम है आपका? जगभान। जगभान जी ये बताइए, जिला पंचायत का चुनाव है, प्रधानी का भी चुनाव, प्रधानी चुनाव तो एक व्यक्तिगत चुनाव होता है जिसमें लोग अपनी राय नहीं देते, लेकिन जिला पंचायत चुनाव में कई सारे प्रत्याशी हैं, कई सारी पार्टियाँ हैं, तो आपको क्या लगता है इस बार चुनाव किन की टक्कर में होगा? टक्कर है तो पार्टियाँ सब टक्कर में चल रही, जी पता नहीं है कि बीजेपी आ रही या सपा आ रही, या पार्टियों में टक्कर हो, सपा और बीजेपी में टक्कर होना है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? भागीरथ। भागीरथ ये बताइए, जो चुनाव का माहौल चल रहा है इसमें आपको क्या लगता है कि कौन सा चुनाव में टक्कर देगा, किन पार्टियों के बीच में टक्कर देगी? वैसे मेरे हिसाब से तो सपा और बीएसपी में टक्कर रहेगी। भाजपा नहीं है? भाजपा क्यों नहीं रहेगी? ये नहीं रहेगी, ये नहीं कह सकते हैं, वोट का मत का आदमी का, किसको देता है कौन किसको देता है अभी हाल हमारे यहाँ कोई। मतलब आपको लगता है कि इस बार बीजेपी को मुंह की खानी, बीजेपी का हमारे यहाँ कोई प्रत्याशी अभी तक आया नहीं है? नहीं, बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी, हार हार देखनी पड़ेगी? नहीं नहीं, हार की बात नहीं है, अभी संघर्ष करेंगे तो हो सकता है, लेकिन अभी हाल हमारी स्थिति ठीक नहीं है, आया भी नहीं है। अच्छा आया भी नहीं? नहीं। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, क्या नाम है दादा आपका? आप यहीं के हैं? अच्छा, तो क्या लगता है इस चुनाव में जो चुनावी माहौल चल रहा है तो कितनी सारी पार्टियों के लोग आ रहे हैं और आपको क्या लगता है कि आप किसको वोट करेंगे? कोई पार्टियों के लोग नहीं आए, सिर्फ दो जने आए जी, बस सपा सपा वाले, बीएसपी वाले और कोई पार्टी नहीं। सपा और बीएसपी वाले हैं। अच्छा, आप किसको वोट करना चाहे पसंद करेंगे, किसको मतलब विकास के नाम पे वोट देंगे? जिसकी हमारी पसंद आए उसको डाल देंगे। कहने का मतलब ये है कि विकास के नाम पे वोट करेंगे कि हमारे व्यक्तिगत संबंधों पे वोट करेंगे? विकास के नाम पे करेंगे, विकास के नाम पे। तो क्या लगता है टक्कर किसमें होगी? टक्कर अभी तो दोनों में है और किसमें? मतलब बीजेपी नहीं है यहाँ पे, आई नहीं, बीएसपी टक्कर में हो सकती है। चलिए हमारे साथ में और भी लोग हैं, क्या नाम है? गुडिया। अभी आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, चुनावी चर्चाएं चल रही हैं, तो क्या लगता है आपको इस बार जिला पंचायत सीट पे कौन सा प्रत्याशी सही है? बीजेपी को जीते। बीजेपी। सपा का क्या है? सपा दूसरी पे आ सकते हैं। सपा दूसरी। चलिए और भी लोग मौजूद हैं, क्या नाम है भाई? उत्तम। उत्तम जी ये बताइए, इस बार चुनाव में क्या लगता है आपको, कैसा माहौल है, क्या समीकरण रहेंगे? बीएसपी जीतेगी यहाँ से। बीएसपी। बीएसपी का वोट बैंक ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। अच्छा, बीएसपी का प्रत्याशी कौन है? भजन लाल का लड़का है। अच्छा, तो क्या ठीक है? हाँ। मतलब क्या लगता है कि यहाँ से जीत जो होगी बीएसपी की? बीएसपी की होगी। टक्कर किससे, किस सपा की और बीएसपी की? सपा की। बीएसपी की। भाजपा चौथे नंबर पे जाएगी। भाजपा चौथे नंबर पे जाएगी, क्यों, ऐसा क्यों होगा? होगा ये यहाँ से तो ऐसे ही होता है गांव से हमारे। अच्छा, चलिए और भी लोग हैं, इन लोगों से भी बात करते हैं, क्या नाम है भाई आपका? आए तो कौन है, क्या नाम है? हेलो, राहुल नाम है मेरा, राहुल। राहुल ये बताइए, इस बार चुनाव का माहौल चल रहा है, क्या लगता है? सपोर्ट है वो तो जिसका करना है, जिसको हमारे यहाँ पर सपा और बीएसपी में पकड़ पड़ेगी दोनों पार्टियों में, बीएसपी में दोनों में पड़ेगी। बीजेपी का क्या? बीजेपी का अस्तित्व नहीं है हमारे यहाँ क्षेत्र में। अच्छा, पिछले चुनाव में भी रहे होंगे, तो यहाँ से कौन जीता था? हमारे यहाँ से मीरा विष्णु राय जीती थी, सीट से। अच्छा, वो समय कौन सी पार्टी से थी?
उस समय वो शायद बीएसपी जीती थी, शायद बीएसपी जीती थी, तो अभी भी लगता है कि बीएसपी वाला जीती है। चलिए और भी हमारे साथ में लोग मौजूद हैं, बूढ़े बुजुर्ग। क्या नाम है दादा? जयराम नाम। अब जो चुनाव का माहौल चल रहा है, प्रधान के लिए भी कई सारे दावेदार होंगे, आप लोगों के पास आ रहे हैं, लेकिन आप लोग प्रधानी के चुनाव में वो डिस्कस नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन जिला पंचायत में तो आपका ये बताइए क्षेत्र में जैसे पानी की समस्या, तो इस बार वोट किस पे करेंगे, विकास को लेकर करेंगे या जातिवाद को लेकर? हम आए हाँ दो ही पे जाते हैं, सपा और बीएसपी। इसके बाद मतलब टक्कर सपा और बीएसपी में होगी। तो ये थे हमारे साथ में ग्राम हरपुरा के लोग बाग, जिन्होंने अपनी राय बताई है। उन्होंने का साफ कहना है इस बार इस गांव से जो वोटिंग की स्थिति निकलेगी वो बीजेपी चौथे पायदान पे होगी, दूसरे पायदान पे सपा और पहले पायदान पे यहां पे बीएसपी रहेगी। अब देखने वाली बात बहुत ही दिलचस्प होगी कि आखिर इस जिला पंचायत चुनाव में जीत किसकी होती है। चुनावी माहौल है, गांव में जगह जगह लोग चौपाल बनाकर बैठे हुए हैं और चुनाव पे चर्चा चल रही है, और न्यूज़ बीके की टीम लगातार इस गांव-गांव में जाकर लोगों से जानने का प्रयास कर रही है कि इस चुनाव में कहां पे किस प्रत्याशी की लोगों की पहली पसंद, कौन सा प्रत्याशी है, कौन सी पार्टी यहाँ से आगे जाएगी पीछे जाएगी। तो इस समय हमारे साथ में हम लोग इस समय मौजूद हैं मऊरानीपुर के ग्राम चुरारा सीट से, ग्राम पठा में जहाँ जिला पंचायत चुरारा लगती है, और हमारे साथ में यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? अजीत सिंह चौहान। अजीत सिंह जी, ये बताइए यहाँ पे जिला पंचायत चुनाव चल रहे हैं हमेशा और प्रधानी के भी चुनाव हैं, तो जिला पंचायत चुनाव में आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कौन सी पार्टी किसकी किससे टक्कर है? अब टक्कर तो जी के अब दो जन में है टक्कर की में है टक्कर किस में? हेमेंद्र में और रमेश में। रमेश कौन सी पार्टी से? भाजपा से। तो आप लोगों को क्या लगता है कौन जीत सकता? अब भगवान जिसकी जिसके ऊपर भगवान हाथ रख दे वो जीत जाए, वो जीत जाए। मतलब आपकी आपके रुझान आपके रुझान से इसको सपोर्ट कर देंगे वही जीत जाएगा। आपकी पहली पसंद कौन है? हमारी तो पहली पसंद भाजपा की है। भाजपा। हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश्वर राजपूत। राजेश्वर, ये बताइए आपके इस गाँव में लगभग कितने की वोटिंग है? वोटिंग हुई वही 1700 वोटिंग आ गया। अच्छा, यहाँ से कौन सी सीट हमेशा जीतती आई? भाजपा। और अभी क्या स्थिति है यहाँ से, आप लोगों की पहली पसंद कौन सी पार्टी? भाजपा। ये भाजपा से है या किसी व्यक्ति विशेष जैसे आपका कोई पसंदीदा प्रत्याशी? भाजपा से। आपको लगता है कि भाजपा विकास कराएगी? हाँ बिल्कुल कराएगी। अच्छा, हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? कैलाश नाम है। आचार्य। आपके पठा गांव में ये चुरारा सीट लगती है, चुरारा सीट पे कितने प्रत्याशी हैं? कई सारे प्रत्याशी जी। आपकी पहली पसंद कौन सी? पहली पसंद विकास है। विकास किसके, विकास किस पे जाएगा? जो विकास की हो जाएगा उसी को वोट। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे टक्कर किसमें? टक्कर हम बस भाजपा और समाजवादी पार्टी। समाजवादी। क्या लगता है इस सीट पे किसका कब्जा हुआ? अब जी क्या बता दें किसका कब्जा हुआ, भाजपा का होगा या सपा का होगा? जिसका हुआ हुआ, अब हम हमारे वोट से क्या होना है कि? मतलब यहाँ से अधिकतर जो वोटिंग है यहाँ की, अधिकतर इस सीट पे किसका कब्जा रहा है, किसकी वोटिंग सबसे ज्यादा रही? सपा और भाजपा। सपा भाजपा। मतलब सबसे ज्यादा वोट इस गांव में किस पार्टी? एक कभी सपा को मिल जाती है कभी भाजपा। मतलब टक्कर दोनों में है। हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है? सुनील राव। अच्छा, ये बताइए इस समय चुनावी माहौल चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी आगे रहेगी, कौन सी पीछे रहेगी? यहाँ से तो बार हमें भाजपा को वोट ज़्यादा मिलते हैं। भाजपा। तो क्या लगता है भाजपा क्षेत्र का विकास करा पाएगी? देखो अब करा ना करा पा के लिए पार्टी दो ही बढ़ावा की है, पप्पू सेठ को, हेमंत सेठ को भी बढ़िया प्रचार। अच्छा, तो क्या हेमंत सेठ इस सीट से जीत पाएंगे? देखो वो तो अपनी तरह की बात अलग है, अब देखो भाजपा से अगर ना हुई जनता तो जीत जाए, हेमंत सेठ जीत जाए। तो लगता है कि भाजपा से लोग नाराज हैं? हो भी सकत।
तो यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं जिनसे बात की हमने, और आइए इनसे फिर से हम बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये लोग आपस में बैठ के आखिर किस मुद्दे पे चर्चा चल रही है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप लोग जैसे बैठे हुए हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों की चर्चाएँ क्या है, ग्राम प्रधान की स्थिति क्या है और उसकी क्या है, जिला पंचायत पे मतलब किस तरीके से मंथन चल रहा है? जिला पंचायत में दो ही पार्टी हैं, सपा भाजपा। चलिए आगे हम और भी बात करते हैं लोगों से। इस गांव में, इस क्षेत्र में दो पार्टियों में टक्कर होती है, चुरारा से सीट से जो प्रत्याशी हैं भाजपा के और सपा के, इन दोनों में कांटे की टक्कर रहेगी। आगे भी हम और भी गांव में भ्रमण करेंगे जिसमें आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या माहौल है।